नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10.2 स्टार्ट करते हैं. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ इन विच XY इज 4.5 YZ 5 ZX 6. नाउ फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट YZ. ड्रॉ अ लाइन YZ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ अ लाइन YZ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स. नाउ YX है 4.5 एंड ZX है 6. विद Z as सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स. विद Z as सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स. नाउ with Y as center draw an arc of radius 4.5 centimeter which intersects the first arc. Cut karegi first arc ko at point कौन सा अभी देखते हैं. Z से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई कंपास ओपन करके. Y से 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कीजिए. Y से आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की. अगर ये दोनों लाइंस जो आर्क से इंटरसेक्ट नहीं कर रही आप Z से रख के 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके इस आर्क को एक्सटेंड कर दीजिए. यहाँ पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी उसे नाम देंगे पॉइंट X क्योंकि ट्रायंगल कौन सी थी हमारी एक्स वाई जेड. सो दिस इज 6 सेंटीमीटर दिस इज 4.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट X. देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल. जैसी ट्रायंगल हमें चाहिए थी हमें मिल गई. क्लियर. क्या किया हमने पहले एक लाइन ली वाई जेड 5 सेंटीमीटर की स्केल से आपने ली. वाई पे कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कीजिए. वाई पे रख के एक आर्क 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके जेड पे रख के दूसरी आर्क. दोनों आर्क्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो आप उस आर्क को एक्सटेंड करोगे थोड़ा बड़ा करोगे तो कोई पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी. जहां पे भी दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं हमने उस पॉइंट को नाम दे दिया एक्स. तो एक्स वाई जेड ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई. क्लियर. नोट कीजिए.